नमस्कार दोस्तों, जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं तो वो चिल्लाते नहीं हैं, धीरे से बात करते हैं, क्योंकि वो दिल से एक दूसरे के करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी एक नाम मात्र की दूरी रह जाती है, क्योंकि वो आपस में प्रेम करते हैं। और जब हम एक दूसरे को हद से अधिक चाहने लगते हैं, तब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं, उससे इशारों में ही बात हो जाती है और बात समझ भी आ जाती है। जब तुम किसी से बात करते हो तो ध्यान रखो, तुम्हारा हृदय आपस में दूर न हो पाए। तुम जिंदगी में किसी को ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारे दिलों के बीच की दूरियां बढ़ जाएं, क्योंकि इसके बढ़ने से एक समय ऐसा आएगा जब दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि लौटना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए चर्चा करो, बातें करो, समाधान ढूंढो, लेकिन चिल्लाओ मत। दोस्तों, साधु संत महर्षि हमारी संस्कृति का एक बहुत अद्भुत हिस्सा है। एक हिंदू सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के किनारे तट पर पहुंचा। तभी उसने देखा कि एक परिवार के लोग आपस में बात करते हुए एक दूसरे पर अचानक चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे पर क्रोधित हो उठते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा करने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो सन्यासी तुरंत पलटा और अपने शिष्यों से पूछा कि क्रोध में मनुष्य एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य कुछ देर तक तो सोचते रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में अपनी शांति खो देते हैं, इसलिए क्रोध में हम चिल्लाने लगते हैं। जब दूसरा व्यक्ति हमारे बहुत पास खड़ा है तो चिल्लाने की क्या आवश्यकता है, अपनी बात को आसानी से धीरे से भी रखा जा सकता है। इस बात को सुनकर उस सन्यासी ने अपने शिष्य को समझाया कि जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके बीच की दूरी बहुत बढ़ जाती है। इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते, क्योंकि दिलों की दूरी बढ़ गई है। शरीर पास होते हुए भी उनके दिल दूर दूर हो जाते हैं। वो जितना अधिक क्रोधित होंगे उतने उनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी और इसीलिए उन्हें जोर से चिल्लाना पड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा ही होता है, जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं तो वो चिल्लाते नहीं हैं, धीरे से बात करते हैं, क्योंकि वो दिल से एक दूसरे के करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी एक नाम मात्र की दूरी रह जाती है, क्योंकि वो आपस में प्रेम करते हैं। सन्यासी ने आगे बोलना जारी रखा, और जब हम एक दूसरे को हद से अधिक चाहने लगते हैं, तब क्या होता है, तब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं, उससे इशारों में ही बात हो जाती है और बात समझ भी आ जाती है। साधु ने आगे बोला, जब तुम किसी से बात करते हो तो ध्यान रखो, तुम्हारा हृदय आपस में दूर न हो पाए। तुम जिंदगी में किसी को ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारे दिलों के बीच की दूरियां बढ़ जाएं, क्योंकि इसके बढ़ने से एक समय ऐसा आएगा जब दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि लौटना नामुमकिन हो जाएगा, लौटने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा करो, बातें करो, समाधान ढूंढो, लेकिन चिल्लाओ मत। दोस्तों, ये कहानी चिल्लाओ मत बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। जिंदगी का असली रूप आपके सामने प्रस्तुत करती है। इसे जिंदगी में अपनाकर अपने जीवन को उच्च कोटि का बना सकते हैं। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।